कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मगर हौसलों से उड़ान होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ के हिंदी के बारे में, और आज हम लोगों का पॉइंट रहेगा बातचीत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, ज्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बातचीत से रिलेटेड ऐसे ही प्रश्न को जो बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसे एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग के सामने फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दें कि बातचीत के राइटर बालकृष्ण भट्ट है। तो हम लोग का प्रश्न कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। फ्रेंड्स, यह काफी वीवीआई प्रश्न है। इस प्रश्न को बोर्ड एग्जाम 2022 में भी पूछा गया था। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है यह आधुनिक काल के कवि है। किस काल के कवि है? तो आधुनिक काल के कवि है। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि बालकृष्ण भट्ट के मन में लालसा एवं रुचि किसने जगाई थी, इस प्रश्न को पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है उनके माता पार्वती देवी ने। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बातचीत क्या है, अर्थात जो बातचीत चैप्टर है वो क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है वह एक प्रकार की ललित निबंध है। फ्रेंड्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे। ये तो जान गए कि बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के रचनाकार है, लेकिन यहाँ पे हम लोग का प्रश्न कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है यह भारतेंदु युग के साहित्यकार थे। किस युग के? तो भारतेंदु युग के साहित्यकार थे। साथ ही आपको भी बता दें कि बालकृष्ण भट्ट एक पत्रकार के साथ साथ आलोचनाकार एवं बहुत बड़े निबंधकार भी थे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किससे की थी। देखिए फ्रेंड्स, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ना, वो भी एक प्रकार के कवि थे। तो यहाँ पे हम लोग का प्रश्न कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किससे की थी। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है एडिसन और स्टील से। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दे कि एडिसन और स्टील जो थे ना, वो अंग्रेजी साहित्यकार थे। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, अर्थात जो बातचीत के राइटर है बालकृष्ण भट्ट, उनका जन्म कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है 23 जून 1844 ईस्वी को। कब हुआ था? तो 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। और साथ ही आपको ये बता दें कि इसका जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। फ्रेंड्स, इस प्रश्न को पूछा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप लोग बता दीजिएगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। और साथ ही आपको ये बता दें कि इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। ये तो जान गए कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था, लेकिन हम लोग का प्रश्न अब कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का निधन यानी उसकी मृत्यु कब हुई थी। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि बालकृष्ण भट्ट ने अपने जीवन काल में लगभग 1000 से भी अधिक निबंध लिखे थे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाक शक्ति के अनेक फायदों में कौन दो है। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है जो हम लोगों को बोलने की शक्ति मिली है इसके अनेक फायदे हैं, तो इनमें दो फायदा बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है स्पीच वक्तृता और बातचीत। जैसे हम कहीं किसी के साथ स्पीच देते हैं, ये किसकी देन है? तो ये वाक शक्ति की देन है। साथ ही हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ये किनकी देन है? तो ये वाक शक्ति की देन है। यदि हमें वाक शक्ति नहीं होती तो हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, साथ ही हम उनकी गुण अवगुण को नहीं पहचान पाते। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेन जॉनसन ने क्या कहा था। कह रहा है प्रश्न कि बेन जॉनसन ने बातचीत के संबंध में क्या कहा था। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चल पाता है। देखिए फ्रेंड्स, जो बेन जॉनसन है ना, इसका मानना है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चल पाएगा। यदि कोई भी इंसान चुपचाप रहे तो उसके अंदर क्या गुण है और उसके अंदर क्या अवगुण है, इसका पता नहीं चल पाएगा। इसका पता इसी शर्त पर चल पाएगा जब वह कुछ बोलेगा।
तो यही हम लोग का प्रश्न कह रहा है कि बेन जॉनसन ने क्या कहा था। तो उसका मानना है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चल पाता है। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडिशन का मत क्या है, अर्थात एडिशन एक इतिहासकार है, ठीक है, उनका बातचीत के संबंध में क्या मत है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स एडिशन का मानना है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में हो सकता है। कोई दो आदमी आपस में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, यदि वहां पे कोई तीसरा आदमी पहुंच जाए तो फिर वो बात खुलकर नहीं हो पाती है, अर्थात जो दोनों बातचीत पहले से करता था वैसी बात नहीं हो पाएगी। तो इसका कहना है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यदि वहां तीसरा व्यक्ति पहुंच जाए तो वो बात खुलकर नहीं हो पाती है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या थे, अर्थात जो बालकृष्ण भट्ट राइटर है उनके माता का नाम क्या थे। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है माता पार्वती देवी थे। क्या थे? तो माता पार्वती देवी थे। तो फ्रेंड्स मैं आशा करते हैं कि आप लोग बातचीत से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और साथ में उम्मीद ये भी करते हैं कि आप लोगों को आज का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूले। तब तक के लिए जय हिंद।